पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऊर्जा के संरक्षण टॉपिक पर, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों ने व्यंजक प्राप्त किया था, जिसका जो EP is equal to mgh के रूप में आया था। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी, जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉल है, ये ए पोजीशन पर है, ग्राउंड से कुछ ऊपर है एच ऊंचाई पर, और एच ऊंचाई पर इसकी पोजीशन ए है। और उसके बाद कुछ देर में ये धीरे धीरे जब छोड़ी जाती है तो ये बी पोजीशन पर आती है, और बी पोजीशन पर चलने में ये एक्स दूरी चलती है, बी पोजीशन पर आने में ये एक्स दूरी चलती है। और इसकी जो ग्राउंड से ऊंचाई जो हो जाएगी वो टोटल जो हाइट है, यानी पूरी ऊंचाई एच है, और यहाँ तक की ऊंचाई जो है अगर इसको एच में से इसको घटा देंगे तो यहाँ तक की ऊंचाई इसकी जमीन से ऊंचाई मालूम हो जाएगी बी पॉइंट पर जब ये रहेगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा के रूप में, और फिर गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर कि इस बिंदु पर h ऊंचाई पर, जमीन से h ऊंचाई पर जब ये बॉल थी तो इसमें जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग लिखते हैं EP से, ये EP1 यहाँ पर इसको लिख लेते हैं A पॉइंट पर EP1, ये जो थी वो थी mgh, जहाँ पर m क्या है, m है बॉल का द्रव्यमान, जो गेंद है हमारी उसका द्रव्यमान है। अब यहाँ पर EP1 बराबर mgh हमने लिया है, और यहाँ पर हमने माना है कि पहले इनिशियली प्रारंभिक रूप से ये जो बॉल थी हमारी ये स्थिर अवस्था में थी। तो जब स्थिर अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं। तो यहाँ पर हम जब EK1 मानेंगे यहाँ पर, तो EK1 बराबर मानेंगे यहाँ पर ये शून्य, ठीक है, यहाँ पर 0 जूल ऊर्जा यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में अब जब यहां पर ए बिंदु पर कुल ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा EP1 प्लस EK1। अब यहां पर EP1 और EK1 जब इनका सूत्र लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा MgH और प्लस 0, तो यहां पर आ जाएगा बराबर MgH। अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु B पर। तो B बिंदु पर चलने के लिए अब चूंकि यहाँ पर आने पर इसमें कुछ गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि ये वेग कर लेगा, ये वेग धारण कर लेगा, तो वेग होने पर इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पर EP2 यानी B बिंदु पर EP2 बराबर ये हो जाएगा EP2 कितना हो जाएगा mg, और जितनी इसकी ऊंचाई है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई है h-x, तो यहां पर EP2 यानी B बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh-x। और यहां पर जब हम इसकी स्थिति गतिज ऊर्जा निकालना चाहेंगे तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें वेलासिटी की आवश्यकता होगी। तो हम वेलासिटी निकाल लेंगे पहले। तो वेलासिटी कैसे निकालेंगे? वेलासिटी निकालेंगे हम न्यूटन के तीसरे सूत्र से। तो न्यूटन का तीसरा सूत्र क्या कहता है? तीसरा सूत्र कहता है हमारा, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gh, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये यहां से यहां तक दूरी चला है, सॉरी ये 2g, हाँ ठीक है, h ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये चूंकि यहाँ से यहाँ तक जो h ऊंचाई है ये x के बराबर है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर h की जगह पर x। और दूसरी बात ये है कि जब ये इनिशियली क्या कहते हैं स्टैटिक पोजीशन में थी, मतलब स्थिर अवस्था में थी, तो उस समय हम देखेंगे कि इसका जो वेग है वो शून्य है, तो यानी इनिशियल वेलासिटी इसकी कितनी हो गई? शून्य। तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलासिटी थी वो कितनी थी? 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gx। अब इसका v का मान आ गया v² = 2gx, ठीक है, v की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम सीधे निकालेंगे EK2। EK2 क्या है? बिंदु B पर EK2 बिंदु B पर हमारी गतिज ऊर्जा है, क्योंकि यहां से जब ये ऊर्जा का परिवर्तन होगा तो यहां पर इसमें कुछ गति आ जाएगी जब मुक्त अवस्था में छोड़ेंगे। तो यहां पर EK2 बराबर हो जाएगा हमारा EK2 बराबर 1/2 m
वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर, वी स्क्वायर बराबर 2gx, तो हमें पता चल जाएगा e के 2 बराबर हाफ m, उसके बाद ये हो जाएगा इंटू 2gx, तो ये इससे कट गया, आ गया हमारा mgx, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु B पर कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो कुल ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बिंदु B पर, बिंदु B पर कुल ऊर्जा, बिंदु B पर कुल ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा EP2 प्लस EK2। अब यहां पर EP2 कितना हो जाएगा हमारा, EP2 हमारा आया है ये mg h माइनस x, mg h माइनस x, और यहां पर हो जाएगा प्लस ये EK2 कितना आया है एम जी एक्स, अब यहां पर हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, और यहां पर भी जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम जी एच। तो इसका मतलब हम बिंदु बी पर भी जब कुल ऊर्जा निकालते हैं तो हमारी वही प्राप्त हो रही है जो बिंदु ए पर प्राप्त हुई थी। सिमिलरली यहां पर जब हम लोग देखेंगे ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर जब देखेंगे तो ग्राउंड पर हम, मैं इसे मिटा देता हूं अभी, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हम लोगों ने निकाल लिया बिंदु ए पर कुल ऊर्जा और बिंदु बी पर कुल ऊर्जा। अब हम निकालेंगे बिंदु सी पर कुल ऊर्जा। तो बिंदु सी पर कुल ऊर्जा निकालने के लिए हम यहाँ पर ये मानेंगे कि ये ग्राउंड से थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर ऊपर है, क्योंकि कुछ मिलीमीटर ऊपर रहेगा तभी हम इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर जो हमारी आएगी ये हो जाएगी, ये मिल करके जमीन से जब टकराएगी तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हमारी गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये एच पूरा शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ से आएगी एच ऊंचाई से, और यहाँ पर एच कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पर हम मानते हैं कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है। तो यहाँ पर अगर ई पी थ्री, अगर यहाँ पर हम माने इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये हो जाएगी ई पी थ्री, तो यहाँ पर ई पी थ्री बराबर क्या हो जाएगी, जीरो जूल, क्योंकि सीधी बात है अगर ऊंचाई कुछ भी नहीं है तो ऊंचाई जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो गई। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी टोटली जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमारी थी एम जी एच, ये हमारी जो स्थितिज ऊर्जा थी ये टोटल यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर कैसे हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वही वाले सूत्र से, किससे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस सॉरी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी और एच, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एच क्या हो जा रहा है, h पूरा टोटल आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद g हमारा वही कांस्टेंट रहेगा, u u हमारा हो जाएगा जीरो, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस सॉरी जीरो का स्क्वायर और प्लस टू जी एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर टू जी एच। अब यहां पर जब हम लोग v स्क्वायर का मान फिर से रखेंगे ep ek थ्री निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और जब हम यहाँ पर रखेंगे वो हाफ एम और वी स्क्वायर का मान यहीं से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा टू जी एच, और यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे टू से टू कैंसिल हो गया एम जी एच, ठीक है। अब जब हम बिंदु सी पर कुल ऊर्जा निकालेंगे तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई पी थ्री और ई के थ्री जोड़ना पड़ेगा। ई पी थ्री और ई के थ्री जोड़ेंगे जब तो कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कहाँ पर, बिंदु सी पर, तो कुल ऊर्जा जो बिंदु सी पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई पी थ्री प्लस ई के थ्री। अब यहाँ पर ई पी थ्री कितना हो गया, ई पी थ्री हम लोगों ने निकाला है शून्य है, क्योंकि ऊंचाई जीरो है, तो ऊंचाई जीरो है तो यहाँ पर हो गई जीरो, और यहाँ पर ई के थ्री की वैल्यू हमने निकाली है एम जी एच, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम जी एच। तो यहाँ पर जो अगर इसको मान लें ई ई सी, बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, तो ये भी हो जाएगी कितनी, एम जी एच। इस प्रकार हम देखते हैं बिंदु ए पर भी जब हम लोगों ने निकाला तो कुल ऊर्जा कितनी थी, एम जी एच थी, बिंदु बी पर भी कुल ऊर्जा कितनी थी, एम जी एच थी, और बिंदु सी पर भी जब हमने निकाला निगमित किया तो वहां पर भी एम जी एच आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों ही बिंदुओं पर,
ये जो MGH ही इसकी ऊर्जा थी, इस प्रकार ऊर्जा कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हो रही है, जो भी ऊर्जा का कुल मान है वो समान आ रहा है, भले ही वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है, लेकिन फिर भी जब कुल ऊर्जा जोड़ी जा रही है तो उसका मान सभी बिंदुओं पर समान आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या यहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ये हो जाएगा ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ठीक है, तीनों ही बिंदुओं पर इसका ऊर्जा का मान समान आ रहा है, और यही इसी को कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण।